हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में जो है अपनी नर्सरी शॉपिंग शेयर करने वाली हूं। तो सबसे पहले जो है वीडियो की शुरुआत जो है मैंने लंटाना फ्लावर से करी है। तो ये मेरा फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट है जो मैंने परचेज़ किया है अपनी नर्सरी शॉपिंग में, और ये येलो कलर का है। और इसमें का जो है मेरे पास में रेड और ऑरेंज कलर का येलो शेड में वो मेरे पास में है, तो ये वाला नहीं था। और इसमें की जो एक हैंगिंग वैरायटी आती है पर्पल और वाइट शेड में अलग अलग होते हैं, वो भी मेरे पास में है, हैंगिंग में लगा कर रखे हुए हैं। तो ये ही कलर मेरे पास में नहीं था तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया है। इसमें जो है एक देसी वैरायटी आती है जो हर जगह पर उगती है, वो भी काफ़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन वो भी मिलती है, मैंने नहीं लिया उसको। और वो बड़े पॉलीबैग में था पिंक कलर में, तो मैंने छोटे पॉलीबैग का ही परचेज़ किया है। लेकिन ये जो प्लांट है ये रेड सॉइल में लगा हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने कई बार जो है परचेज़ करना चाहा लेकिन ये जो है मुझे रेड सॉइल में ही दिखा। लास्ट में मैंने इसको रेड सॉइल वाला ही परचेज़ कर लिया है। तो ये जो है मुझे 30 रुपीज़ में मिला हुआ है। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है ये थूजा मोर पंखी का प्लांट, आप देख सकते हैं ये नियॉन कलर का मोर पंखी है। इसमें दो कलर आते हैं, एक नियॉन और एक ग्रीन कलर। तो ये नियॉन कलर का है, ग्रीन कलर जो है मेरे पास में ऑलरेडी है और वो थोड़ा बड़ा भी है प्लांट इससे। और ये भी छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ है और ये भी रेड सॉइल में ही लगा हुआ है। तो ये भी मुझे जो है 40 रुपीज़ में मिला है और काफ़ी अच्छा इसका जो है जो ये ब्रांच है काफ़ी अच्छी हेल्दी सी है, तो इसको मैंने 40 रुपीज़ में परचेज़ किया है। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है ये बेटल लीफ। बेटल लीफ का प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी या बूसी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो भी है मैंने इसको परचेज़ कर लिया है। कुछ प्लांट जो होते हैं हम नर्सरी से लाते हैं अच्छी कंडीशन में नहीं होते हैं, लेकिन हम जो है इनको अपने गार्डन में इनकी केयर करके इनको अच्छा बना देते हैं, तो ये भी वैसा ही रहेगा। इसको भी मैं अच्छी कंडीशन में रखूँगी, अच्छी सी सॉइल मिक्स बनाऊँगी और अच्छा सा जो इसको जो है मैं तैयार करूँगी। तो ये प्लांट जो है मुझे 30 रुपीज़ में मिला है, थोड़ा सा कॉस्टली लगा मुझे लेकिन अच्छा है। मैं इसको इससे और भी प्लांट बना लूँगी, इसमें आप देख रहे हैं रूट्स निकली हुई हैं तो इनसे कटिंग करके और भी बन जाएंगे, लेकिन अभी इस टाइम पर तो मैं इसको कटिंग बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी ही बड़ा डैमेज सा प्लांट है। तो इसको मैंने 30 रुपीज़ में परचेज़ किया और ये कटिंग से लगा हुआ है नॉर्मल सॉइल में। उसके बाद में जो है ये है ब्लू बेल या अपराजिता इसको बोलते हैं, तो ये डबल पेटल वाली अपराजिता है पर्पल कलर की। इसको मैंने परचेज़ किया है 30 रुपीज़ में और ये नॉर्मल सॉइल में लगा हुआ है, सीड से ग्रो हुआ प्लांट है। और ये नर्सरी वाले भैया ने ही सीड से ग्रो किया है इसको, क्योंकि उनके यहाँ पर जो है ये प्लांट लगा हुआ था, बड़ा सा प्लांट था, उसी के सीड से इन्होंने ग्रो किया। मैंने काफ़ी वेट किया है इस प्लांट का, मेरे पास में सिंगल पेटल का है लेकिन डबल पेटल का नहीं था, तो मैंने इसको भी ऐड कर लिया है अपने गार्डन में। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है ये मोगरे का प्लांट। मोगरे का प्लांट मेरे पास में ग्राउंड फ्लोर पर है, लेकिन जो है टेरेस गार्डनिंग के लिए मुझे नहीं था, मैंने कटिंग लगाई थी लेकिन मेरी कटिंग जो है सक्सेस होकर फिर भी मर गई। तो ये जो है मैंने परचेज़ किया है, ये भी मुझे 30 रुपीज़ में मिला है और ये जो है ये भी रेड सॉइल में ही लगा हुआ है। तो आज की जो मेरी शॉपिंग है ऑलमोस्ट जो है रेड सॉइल वाली ही है। नेक्स्ट प्लांट जो है ये वेजिटेबल प्लांट्स हैं जो मुझे काफ़ी टाइम से मेरी विश लिस्ट में थे। तो ये है कैप्सिकम का प्लांट। वैसे मुझे कैप्सिकम का प्लांट नहीं लेना था फ्रेंड्स, कैप्सिकम के प्लांट मेरे पास में ऑलरेडी मेरे पास में है, लेकिन जो है मुझे एक ही पॉली बैग में दो प्लांट दिखे इसलिए मैंने उनसे परचेज़ कर लिए हैं। तो ये जो है मुझे 40 रुपीज़ में मिला है और एक ही पॉली बैग में दो प्लांट लगे हैं, काफ़ी हेल्दी कंडीशन में है आप देख सकते हैं। तो ये 40 रुपीज़ में मैंने लिया है और ये राइस हस्क में लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं, इनको लिया है। नेक्स्ट जो है मैंने ये लौकी का प्लांट लिया है, तो ये मैंने मंगाए हैं उनसे नर्सरी वाले भैया से। मैंने सीड्स डाले थे लेकिन सीड जर्मिनेट होकर जो है वो गर्मी के कारण जो है सर्वाइव नहीं किए, इसलिए मुझे पौधे लेने पड़े क्योंकि गर्माहट ज़्यादा हो गई है और अब जो है सीडलिंग जो है सर्वाइव करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैंने तैयार पौधे ही मंगा लिए हैं। तो ये मुझे 30 रुपीज़ का पर प्लांट मिला है। तो लौकी के मैंने जो है तीन प्लांट लिए हैं, एक ये है और एक ये है और एक ये है, तीन प्लांट है और तीनों नीचे से काफ़ी अच्छे हेल्दी हैं, तो तीन प्लांट लिए हैं। और उसके बाद में ये जो है ये तोरी का प्लांट है और इसमें जो है बेल भी बनने लगी है। तो इसमें पता नहीं है कि हाइब्रिड वैरायटी के वेजिटेबल प्लांट हैं या देसी वैरायटी के, लेकिन मैंने परचेज़ कर लिए हैं। ये भी मुझे 30 रुपीज़ में मिले हैं और इसके जो है दो प्लांट हैं, एक ये है
और एक ये प्लांट है। तो दो प्लांट मैंने तोरी के लिए हैं और जो है तीन प्लांट जो है मैंने लौकी के लिए हैं। तो यही मेरी फ्रेंड्स आज की शॉपिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।